कर्म योद्धा। क्या कर रहा है और क्या हाल बना लिया है अपना? क्यों कर रहा है ये सब? माँ, आप मुझे महल के काम नहीं करने देती, मैं आपको घर के काम नहीं करने दूंगा। किंतु इतना सारा धान क्यों कूट रहा है तू? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई भी भारी कार्य करना पड़े। तेरी अनुपस्थिति में? जी माँ। कहाँ जा रहा है तू? गरुड़, मुझसे छुपा रहा है तू? बता क्या चल रहा है तेरे मन में? अच्छी, एक क्षण माँ, माँ मुझे क्षमा करना। आज तक तो धूमल को कहते सुना था मैंने, कोई बड़ा संकट मोल लिया था तूने उनके लिए। अच्छा वो? माँ कोई विशेष बात नहीं थी, वो तो माणक पर्वत है ना, उसके पीछे उनकी गेंद चली गई थी तो मैं ले आया। माणक पर्वत से? मणिया नहीं, रक्त पिपासु चट्टाने हैं वहाँ, माया भी शक्ति का वास है, तुझे कुछ हो जाता तो। हाँ, आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ, मुझे भला क्या होगा। और माँ आप ही ने तो सिखाया है कि सभी की सहायता करनी चाहिए। करुड़, तू ध्यान रखा कर अपना, मैं ये सब धोकर आती हूँ, संध्या आरती का समय हो गया है। जी माँ। माँ से कुछ छुपाना वैसे भी कठिन है, ऊपर से ऐसी मूर्खता करूंगा तो माँ को मेरे मन की बात अवश्य ही पता चल जाएगी, फिर शेषनाग भैया से मिलने वैकुंठ जाना तो दूर, माँ मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देंगी। ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः। वैकुंठाय नमः। विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः। माँ, आयुष्मान भव। माँ, विष्णु जी वैकुंठ में रहते हैं ना? वैसे तो अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, किंतु हाँ, उनके निवास लोक का नाम तो वैकुंठ ही है। माँ, वहाँ और कौन कौन रहता है? क्यों पूछ रहा है ये सब? ऐसे ही माँ, वो आपके जीवा पर हर समय भगवान विष्णु जी का नाम होता है ना माँ, तो मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में जानना चाहिए। सामान्य जिज्ञासा माँ। सामान्य जिज्ञासा, सामान्य जिज्ञासा है या कोई विशेष बात है? विशेष बात क्या हो सकती है माँ? माँ,
मेरे मस्तिष्क में तो आठों प्रहर केवल एक ही बात चलती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप और अधिक प्रसन्न हो? क्योंकि आप विष्णु जी का नाम हर समय लेती है, उसमें मग्न रहती है माँ, तो मुझे लगा मुझे उनकी ओर उनके मार्ग पर चलना चाहिए। बड़ा समझदार हो गया है मेरा पुत्र। वैकुंठ प्रभु विष्णु और देवी श्री लक्ष्मी का निवास स्थान है। केवल वही जीवात्माएं वहां प्रवेश कर सकती हैं जिन्होंने जन जन्मांतर तक प्रभु की भक्ति और सेवा शुद्ध हृदय से की हो, शुभ कर्म किए हो। यदि शेषनाग भैया वैकुंठ में हैं, इसका अर्थ है उन्होंने अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे। तब तो वो निश्चित ही माँ को दासता से मुक्ति दिलाने में मेरी सहायता करेंगे। माँ, 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 ये माँ वैकुंठ है कहाँ? कितनी दूर है? और वहाँ कैसे जा सकते हैं माँ? ये सब तुझे क्यों जानना है? ऐसे ही वो मन में प्रश्न आया तो पूछ लिया। और माँ, जब से आपने मुझे अपने अतीत के बारे में पूछने से मना किया है ना, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। अब आपको नहीं बताना तो रहने दीजिए। यदि माँ भी कुछ नहीं बताएंगी तो मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे? और यदि नहीं मिले तो कैसे करा पाऊंगा मैं माँ को दास्ता से मुक्त? यदि मैंने इसकी जिज्ञासा शांत नहीं की तो ये अपने प्रश्नों के उत्तर दूसरों से पाना चाहेगा। कोई और इसे न जाने क्या बताए और कैसे। इससे तो अच्छा है कि मैं ही इसके प्रश्नों के उत्तर दूं। करूर, केवल वैकुंठ ही क्यों, संसार के सभी लोगों के बारे में बताऊंगी मैं तुझे। इस पूरे ब्रह्मांड में कुल 14 लोक हैं। हमारी पृथ्वी को मिलाकर 7 लोक ऊपर और 7 लोक हमसे नीचे हैं। ऊपर के लोकों को ऊर्ध्वलोक और नीचे के लोकों को अधोलोक कहा जाता है। इन अधोलोकों के नाम हैं अतल, वितल, नितल, गप्स्तिमान, महातल, सूतल और पाताल। इन 7 लोकों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित हैं। सुंदर महलों से सुशोभित इन सभी लोकों में भूमि का रंग और प्रकार एक दूसरे से अलग है। अतुल लोक में शुक्ल वर्ण अर्थात श्वेत रंग की भूमि पाई जाती है, तो वितल में श्याम अर्थात काले रंग की, नितल में अरुण अर्थात सूर्योदय के रंग की भूमि है, गबस्तिमान में पीले रंग की और महातल में शक्रमय अर्थात कंकरीली या कंकड़ युक्त। सूतल की भूमि पथरीली है और पाताल की स्वर्ण अर्थात सोने के रंग के समान। अविश्वसनीय माँ, यदि नीचे के लोग इतने अनूठे हैं तो ऊपर के 7 लोग और भी अधिक आकर्षक होंगे ना? एक तो यही लोग है हमारा भूलोक। यहाँ मनुष्य आसानी से अपना विचरण कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर है पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का क्षेत्र जिसे भूवरलोक कहते हैं, और फिर सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक का प्रदेश स्वर्गलोक कहलाता है। इन तीनों लोकों को अर्थात भू, भूव, स्व को त्रिलोक या त्रिभुवन के नाम से भी पुकारा जाता है। त्रिभुवन से 1 कोटि योजन ऊपर स्थित है महरलोक।
उससे 2 कोटि योजन ऊपर है जन लोक, और वहां से 8 कोटि योजन ऊपर जो लोक है उसे तपोलोक कहते हैं, और तपोलोक से 12 कोटि योजन ऊपर है सत्यलोक, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है। अद्भुत माँ, अद्भुत। किंतु माँ, इनमें तो वैकुंठ लोक है ही नहीं, वो कहाँ है माँ? सृष्टि के सभी 14 लोकों से ऊपर हर प्रकार के सुख दुख जीवन मरण से दूर है कैलाश लोक, जहां महादेव शिव शंकर का वास है। ओम नमः शिवाय। और उससे भी ऊपर है वैकुंठ लोक, जहां निवास करते हैं मेरे प्रभु श्री विष्णु। वैकुंठ का रास्ता संभवतः माँ को पता होगा। माँ, तो इसका अर्थ ये है माँ कि इन 7 लोगों को पार करने के बाद वैकुंठ जा सकते हैं। है ना माँ? नहीं गरुड़, वैकुंठ में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और जो ऐसा करने का प्रयास भी करता है वो उसी क्षण अपने प्राण गवा देता है। किंतु माँ मेरी बात बिनता। माँ बहुत देर हो गई ना, ये उचित समय नहीं है। सेवा के लिए कोई समय अनुचित नहीं होता पुत्र, सेविका हूँ मैं और अपनी स्वामिनी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकती। बिनता। माँ क्या हुआ, अचानक पैर क्यों छू रहा है? आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं आपके आदर्शों को सदैव स्मरण रख पाऊं, क्योंकि यदि मैं आपके संस्कारों को भूल गया माँ तो मैं अपने उद्देश्यों में सफल कैसे हो पाऊंगा? मेरी डांट से भावुक हो गया है? तूने ही तो कहा था कि माँ का आशीर्वाद सदैव अपने पुत्र के साथ होता है। चिंता मत कर, तुझे अपने संस्कार सदैव स्मरण रहेंगे और तू अपने प्रत्येक उद्देश्य में पूरी तरह सफल होगा। यही आशीर्वाद चाहिए था मुझे। बिनता, सुनाई नहीं देता, कब से पुकार रही हूं मैं? बिनता, Oh.
कुछ हुआ क्या महारानी? ये तो तू बताएगी ना। तेरे पुत्र को जो दंड दिया था उसका कुछ लाभ हुआ या नहीं? मेरे पुत्रों की कक्ष में मैंने आने से उसे मना किया था, पर वो यहाँ नहीं आया है महारानी। इस कक्ष में नहीं, महल में भी प्रवेश नहीं किया है उसने। तो ये क्या है? पुत्र को बचाने के लिए असत्य कह रही है ये मां। प्रथम बार इस महल में महारानी गद्रु की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। इस विष के पौधे को वृक्ष बनने से पहले पहले सुखाना होगा, ऐसा दंड देना होगा इस गरुड को, ताकि भविष्य में जब जब आज की रात का स्मरण करे भय से सिहर उठे। मेरा विश्वास कीजिए महारानी, गरुड़ ने कुछ नहीं किया है। ये पंख अवश्य ही वायु के साथ उड़कर यहाँ आ गया होगा। मैं अभी इसे हटा देती। इस पंख ने हमारा झूला तोड़ा है। मैं स्वयं इसे ठीक कर दूंगी, फिर से पहले जैसा बना दूंगी। अपने पुत्र को नियंत्रण में रखना सीख। आज मेरे पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि गरुड़ यहाँ आया था या नहीं, किंतु अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तू प्रमाण नहीं, परिणाम देखेंगे। वैकुंठ है कहा? इन सात लोगों को पार करने के बाद वैकुंठ जा सकते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई भी भारी कार्य करना पड़े। कहाँ जा रहा है तू? आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं आपके आदर्शों को सदैव स्मरण रखता हूँ, क्योंकि यदि मैं आपके संस्कारों को भूल गया माँ, तो मैं अपने उद्देश्यों में सफल कैसे हो पाऊंगा?